अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज बात होगी मुलाज़मीन की और पेंशनर्स की। एक कुछ खुशाइंद ख़बरें भी हैं, कुछ मुतालबात हैं और एक मसला जो पेश आ रहा है ईओबीआई के पेंशनर्स को, हम उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले सिर्फ चंद मिनट आप मेरी बात जो है वो आपको सुननी पड़ेगी, मैं माजत के साथ कह रहा हूँ। नाज़रीन, सियासी उफुक के नाम से हमने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि ऑडियो के हवाले से धड़ाधड़ ऑडियो आ रही हैं। अभी इससे बनाए गुज़श्ता रोज़ ये बनाई गई है बल्कि, तो एक और ऑडियो जो है वो मंजरे आम पर आ गई है जो ये बताती है कि शरीफ माफिया जो है वो किस तरह एक जियो न्यूज़ से मुबैना तौर पर मतलब उन्हें हदायात देता है। यानी परवेज़ रशीद साहब और मरियम नवाज साहिबा की मुबैना गुफ्तगू जो है उसमें वो कह रहे हैं कि जियो के फलां फलां जो लोग हैं बाकायदा नाम लेकर, आप वो समाअत फरमाइए, मैंने जियो से ARY से मैं जो है ना ये एक्सट्रैक्ट किया है, इसकी ऑडियो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरा ये स्टांस जो है आज वाजिया हो गया, बल्कि मैं हमेशा से ये कहता हूँ और इस पर इस नाकाबले तरदीद मैं दलाइल रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है, सियासी जमात है। जमीयत उलमाए इस्लाम एक मजहबी सियासी जमात है, उन लोगों का किरदार जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, मैं उसे सियासी जमात गर्दानता ही नहीं, और इसके लिए मेरे पास बहुत से ठोस सबूत हैं। मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत बड़ा कारोबारी ख़ानदानी ग्रुप है जिसने सियासत को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल कर रहा है। और परवेज़ रशीद साहब जैसे बुज़ुर्ग जो हैं, वो एक दो जगह उन्होंने इंतहाई अदब एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी बेटी के बराबर जो उम्र है। अगरचे मरियम नवाज साहिबा ने भी, सच्ची बात यह है कि अंकल अंकल करके बात की है, उनसे अच्छे लहजे में बात की है, लेकिन बात कर क्या रहे हैं? मेरे पाकिस्तान भाइयों, इस पर गौर करने की बेहद ज़रूरत है। हम नेकोबद हजूर को समझाए जाते हैं, सिर्फ दो मिनट की ये ऑडियो है, ये आप समाप्त फरमाएं और फिर मैं आगे अपने मकसद की तरफ आऊं। हकमीन नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं दोनों, ये जरा आपको पहले सुना दें। एक बात आपने मुझसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। उस स्कोर कार्ड में हसन नसार साहब ने आपको पता होगा, बहुत गालियां दी और अब एक साथ बत्ती भी आ गया। एक साथ बत्ती में मैंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हां जी हां जी। बिल्कुल, और अंकल ये तो बिल्कुल ये एक बायसनेस है ना।
नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा फरमाया वेरी क्विकली, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने अंदाज मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह मुअद्दब होकर वो बात कर रहे हैं अपनी आकाज़ादी से, और टोकरे किने पहचाए गए, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है। नाज़रीन अब हम आते हैं ख़बरों पर। नाज़रीन EOBI के हवाले से जो है अफसोसनाक बात कहूँगा मैं कि अब फिर ये शिकायत आ रही हैं। इस वक्त मैं 5 तारीख हो चुकी है, लेकिन बहुत से हमें इत्तला मिल रही हैं कि EOBI की पेंशन जो है वो नहीं मिल रही। अगरचे बैंक हॉलीडेज रही हैं, लेकिन ये जो है काबिले मुज़म्मत बात है। और मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये सबूत है इस बात का कि बैंक अलफला की जो कारकर्दगी है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं आपको 12 जुलाई 2021 का जो एक लेटर है, बल्कि वो लिखा गया है ईमेल, और वो लिखी गई है EOBI रीजनल ऑफिस एपलेट कोर्ट नवाज शरीफ कॉलोनी गिलगत, और ये जो है ना रीजनल हेड की तरफ से लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बैंक अलफला जो है, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व विद ग्रेट कंसर्न ड्यूरिंग द रीसेंट मंथ ऑफ द EOBI पेंशनर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली लीडिंग टू अननेसेसरी एंड अवॉइडेबल हार्डशिप ऑफ बैंक अलफला ब्रांच। Some problems faced by pensioners are listed below to your reference with the hope that there will be avoided in nature. अच्छा, इसमें यह कहा गया कि आप जो है ना सर्विस का बताया गया कि वो सर्विस जो है ना वो खराब है, और क्या क्या है वो एक लिस्ट दी गई है। वो मैं तवालत के खौफ से वो लिस्ट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन किसको नहीं पता कि क्या मसाइल हैं। या तो पेंशन लेट आती है, या बायोमेट्रिक का ऑब्जेक्शन लगा के रोक दी जाती है, और फिर पेंशन ट्रांसफ़र होने के बाद भी बैंक अलफला के साथ सिर्फ ये गिलगत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मसाइल हैं, इन्हें ठीक किए जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन ये बात तो हो गई ख़त्म, अब हम कुछ और आपसे ज़िक्र कर लेते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि नैब के जो स्केल हैं वो ज़रा मुनासब मुलाहिज़ा फरमाइए। ये हमें एक सोशल मीडिया से ही मालूम हुआ है कि स्टेनोग्राफर की जो तनख्वाह है वो 1,00,000 रुपए है, बेसिक पे जो है 22,200, हाउस रेंट 18,843, हार्डशिप अलाउंस 5,540, फ्यूल अलाउंस 5,550, फिक्स TADA 28,800, नैब अलाउंस 948, मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंस 13,320, ग्रॉस सैलरी 1,07,721 रुपये। ये किसी टीचर ने लिखा है, और आखिर में उन्होंने ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ ड्यू टू ओवर पैसिव वर्क। नाज़रीन मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी जो है नैब मुलाज़मीन की 0 है। अब चूंकि वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, बाकी बातें बहुत सी खबरें हैं, इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।